Hello everyone, welcome back to our YouTube channel सीए संसार एंड दिस इज सीए स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। जीएसटी टर्नओवर लिमिट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन वेरियस स्टेट्स। हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब लेनी पड़ती है? जब हम एक थ्रेशोल्ड लिमिट से हमारी टर्नओवर जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उस केस में हमें जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। तो स्टेट बाय स्टेट जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी एक अलग है। हम अगर इधर नॉर्थ की स्टेट्स की अपनी बात करें तो हमारे पास तो ये 40 एंड 20, लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया जो साइड है उसकी स्टेट्स की बात करती हैं तो उसके अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट में कुछ अलग अलग है। तो वहीं से मेरे पास क्वेरीज भी आई हुई थी कि थ्रेशोल्ड लिमिट हमारे पास क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। जीएसटी टर्नओवर लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। एवरी पर्सन हुज टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट मस्ट टेक द जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन टाइम। जैसे ही आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। वन मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट एग्रीड टर्नओवर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो पहले हम स्टेट बाय स्टेट की बात कर लें कि गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो इसके अंदर हमारी लिमिट क्या है 40 लैक्स और 20 लैक्स। आंध्र प्रदेश 40-20, अरुणाचल प्रदेश 40-20, असम 40-20, बिहार 40-20, चंडीगढ़ 40-20, छत्तीसगढ़ अगेन 40-20, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव 40-20, दमन एंड दीव 40-20, दिल्ली 40-20, गोवा 40-20। ये मैं साथ में जब हम YouTube चैनल के ऊपर जब हम अपनी वीडियो डालेंगे तो उसके साथ हम इसको अटैच भी कर देंगे ताकि जिसके लिए भी जिसको भी ये लिस्ट चाहिए हो तो वहां से देख पाएंगे। गोवा 40-20, गुजरात 40-20, हरियाणा 40-20, हिमाचल प्रदेश अगेन 40-20, जम्मू एंड कश्मीर 40-20, झारखंड 40-20, कर्नाटका 40-20, केरला 40-20, लद्दाख 40-20, लक्षद्वीप 40-20, मध्य प्रदेश 40-20, महाराष्ट्र 40-20, मणिपुर 40 एंड 10। मणिपुर के केस में क्या है कि अगर तो आप गुड्स की सप्लाई करते हो तो 40 लैक्स के ऊपर आपके जैसे इंक्रीज होगा तो आपको जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हो तो उस केस में 10 लाख से जैसे आपने क्रॉस कर दिया तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मेघालय 20-20, तो मेघालय के अंदर क्या है 20 लाख है अगर आप गुड्स के अंदर डील कर रहे हो और 20 लाख ही है अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हो। मिजोरम 40-10, मिजोरम के अंदर भी जो प्रोफेशनल सर्विसेज की है लिमिट वो आपकी अलग है, वो है 10 लाख। नागालैंड 40-10, उड़ीसा 40-20, अदर टेरिटरीज 40-20, पुडुचेरी 20-20। पुडुचेरी में अगेन क्या आ गया 20, अगर आप गुड्स में भी डील कर रहे हो तब भी 20 लाख के ऊपर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। पंजाब 40-20, राजस्थान 40-20, सिक्किम, सिक्किम के अंदर अगेन उन्होंने क्या बोल दिया 20-20, मीन्स गुड्स में भी डील कर रही हो तब भी आपको 20 लाख की जैसे आपकी टर्नओवर हो जाती है आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। तमिलनाडु 40-20, तेलंगाना 20-20, तेलंगाना के अंदर भी 20-20 है। त्रिपुरा 40-10, प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर 10 लाख की लिमिट दी है उन्होंने। यूपी 40-20, उत्तराखंड 20-20, उत्तराखंड के अंदर भी अगर आपकी टर्नओवर जो है सप्लाई ऑफ गुड्स से जो टर्नओवर है 20 लाख से क्रॉस होती है तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना है। वेस्ट बंगाल 40-20, ठीक है।
तो ये हमारी मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर हमारी टर्नओवर लिमिट वही है कि इन केस ऑफ गुड्स की सप्लाई है तो उस केस में आपकी टर्नओवर जो है वो 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, और अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हो तो उस केस में आपके थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 20 लाख है। लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर जो गुड्स सप्लाई है उसके ऊपर भी 20 उन्होंने लगाई है, और जो सर्विसेज है उसके ऊपर उन्होंने 10 लाख की लगाई है, तो वो जो अलग से पूरी की पूरी स्टेट वाइज लिस्ट है वो हमने यहाँ पे बोल दिए, और साथ साथ में ये सारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अटैच कर देंगे, और यूट्यूब चैनल में भी ये वीडियो के साथ अटैच हो जाएगी, मिल जाएगी आपको वहीं पे। अब हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट एग्रीड टर्नओवर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हमने अब टर्नओवर की बात तो की, यहाँ पे की टर्नओवर हमारे जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस हो गई हमें जीएसटी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी जो एग्रीड टर्नओवर है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्रीड टर्नओवर मींस द एग्रीड वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाइज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाइज ऑन व्हिच टैक्सेस पेबल बाय पर्सन ऑन आरसीएम बेसिस। आरसीएम को आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, लेकिन क्या क्या लोगे, ऑल टैक्सेबल सप्लाइज प्लस उसमें एग्जम्प्ट सप्लाई को भी लोगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्संस हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट नॉट इंक्लूड सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी एंड सेस। आप सेस नहीं लोगे उसके अंदर, जीएसटी का कंपोनेंट नहीं लोगे, बट जितनी भी आपके टैक्सेबल सप्लाईज हुई हैं, टैक्सेबल सप्लाईज जो आपकी विद इन द स्टेट हुई हैं, इंटर स्टेट हुई हैं, एक पैन नंबर के ऊपर ऑल इंडिया बेसिस पे जितनी भी आपकी टर्नओवर हुई है वो सारी के सारे लोगे, चाहे आपकी वो एग्जम्प्ट है तब भी आप लोगे, सिर्फ आरसीएम वाली जो सप्लाई है उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। अदरवाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो एग्रीड टर्नओवर कैलकुलेट करनी है सारी सप्लाइज आपकी आएंगी। इन अदर वर्ड्स फॉलोइंग आर इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग एग्रीड टर्नओवर। वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाइज प्लस एग्जम्प्ट सप्लाइज प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटरस्टेट सप्लाईज, मीन्स अगर आपने विद इन द स्टेट की है तब भी आएगी, स्टेट के बाहर इंटरस्टेट की है तब भी आएगा, अगर आपने एक्सपोर्ट की है तब भी आएगा, और एग्जम्प्ट सप्लाई है तो तब भी आएगा, ऑफ अ पर्सन हैविंग द सेम पैन, एक पैन के ऊपर की है अक्रॉस ऑल हिज बिजनेसेस एंटिटीज इन इंडिया। द बिलो गिवन आर एक्सक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग टर्नओवर। किसको हम एक्सक्लूड करेंगे, टैक्सेस विद रिस्पेक्ट टू सेस सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट। अगर जो आपका वहां पे जो आपने जीएसटी कैलकुलेट किया है अगर आप उसके ऊपर कोई सेस या कोई टैक्स लगाते हो उसको एक्सक्लूड करोगे। वैल्यू ऑफ टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम, आरसीएम में कोई टैक्सेस है उसको भी आप एक्सक्लूड करोगे टर्नओवर कैलकुलेट करते हुए। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूड होगी। वैल्यू ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज लाइक अल्कोहल पेट्रोल एक्सेट्रा, नॉन टैक्सेबल कौन सा कह रहे हैं जो कि जीएसटी के अंदर है ही नहीं है, तो उसको भी आप एक्सक्लूड करेंगे। इस केस में ना एग्रीड टर्नओवर की कई सारी क्वेरीज हमारे पास कौन सी आई हुई है कि जब आपका जो जीएसटी अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो उसके ऊपर, ठीक है, आपने 12% या 18% जो भी है जीएसटी कैलकुलेट कर लिया आइटम के ऊपर, तो क्या जीएसटी का कंपोनेंट लेते हुए आपको एग्रीड टर्नओवर कैलकुलेट करना है? तो जी नहीं, जीएसटी का कंपोनेंट उसके अंदर एक्सक्लूड होगा। तो क्लियर कट इसके अंदर दिया भी क्या है, आपको क्या करना है, विद इन द स्टेट जो भी सप्लाई कर रहे हो, इंटर स्टेट जो भी सप्लाई कर रहे हो, एक्सपोर्ट जो भी कर रहे हो, प्लस एग्जम्प्ट सप्लाईज, तो एक ही पैन के अंदर जितनी भी ऑल अक्रॉस द इंडिया जितनी भी बिजनेस एंटिटीज है सारी की सारी सप्लाई आपकी एड होगी। बट उसके अंदर एक्सक्लूजन कौन से हैं, जो उसके टैक्सेस हैं, सेस है, जीएसटी है, वो आप एक्सक्लूड करेंगे। आरसीएम में अगर आपने कुछ पे किया एक्सक्लूड करेंगे, इनवर्ड सप्लाई एक्सक्लूड करेंगे, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो उन्होंने कौन से बता दी जो जीएसटी के अंदर है ही नहीं है। जीएसटी के अंदर आज के डेट में कौन से आइटम्स नहीं है, अल्कोहल और पेट्रोल, लिक्विड बिजनेस सारे का सारा उन्होंने जीएसटी में नहीं रखा क्योंकि वो हमारा एक स्टेट कंसेप्ट है, और पेट्रोल को भी जीएसटी के अंदर अभी तक नहीं लाया गया है। तो अगर आपको स्टेट वाइज आप पर्टिकुलरली किस स्टेट को बिलोंग करती हैं, मणिपुर सिक्किम अगर उन स्टेट्स में जहां पे भी आप बिलोंग करती हैं, तो अगर आपको वहां के लिए अपने चाहिए कि क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है तो आप यहाँ से अपने थ्रेशोल्ड लिमिट चेक कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस होती है आपकी टर्नओवर तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।